जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद फैजान अशरफ, मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी ग्रामवासियों का मंतशा कोचिंग सेंटर की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है कि आज 26 जनवरी है और इसी दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। यह दिन हम भारतवासियों के लिए गौरव का दिन माना जाता है। हमारे देश लगभग 250 वर्षों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और आजादी के बाद हमारे देश में संविधान की जरूरत पड़ी। हमारे देश के बड़े बड़े रहनुमाओं ने लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के लंबे समय के बाद, यानी आज ही का दिन, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और हमें और आपको संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको अच्छी तरह से एक मालूम कर लेना चाहिए, उसको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हमें और आपको इस देश में सुचारू रूप से रहने के लिए जो हमें इस देश ने, के बड़े बड़े रहनुमाओं ने जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को जानना हमें और आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी हम और आप अपने अधिकार को इस संविधान के माध्यम से सुचारू रूप से ले सकते हैं। हमें यह भी मालूम है कि संविधान का जो प्रीएम्बल है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, जो संविधान का जो प्रीएम्बल है वो संविधान की एक आत्मा कहा जाता है। और प्रीएम्बल में पहले जो पंक्ति है हम भारत के लोग, इसमें और हम सभी को एक जानना बहुत जरूरी होता है कि हमसे मतलब होता है इस देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े हो, गरीब हो, किसान, मजदूर, दलित, सभी को उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, अडानी जैसे लोगों को इस देश में एक स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। उसी प्रकार से हमारे जो गरीब, किसान, मजदूर दूसरों को खेतों में काम करता है, हल चलाता है, उतना ही इस देश में जीने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। तो हमें और आपको संविधान के माध्यम से ही अपने अधिकार को मालूम करना होगा। इसके लिए हमें और आपको संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ें, संविधान की जो धाराएं हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना अधिकार को छीन सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज हमारे नौजवान बिल्कुल
मायूसी नजर आ रही है। हमें और हमारे गांव के जितने भी नौजवान हैं, उन्हें इस दौर में काम करना चाहिए कुछ, तो वो कर रहे हैं कुछ, लेकिन हमारे गांव में 10,000 की आबादी है, जिसमें सरकार के माध्यम से मदरसा भी है, स्कूल भी है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, मदरसतुल बनात है, आंगनबाड़ी है और हॉस्पिटल भी है, लेकिन हमारे गांव में सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमारे गांव के जो नौजवान हैं, हमारे गांव के जो लीडर हैं, जो अभिभावकगण हैं, लेकिन उनके अंदर एक जज्बात नहीं है, वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल और प्रयोग नहीं करता। आज देखिए हमारे गांव में मदरसा का क्या हाल है, स्कूलों को क्या हाल है, मदरसतुल बनात जो है उसका क्या हाल है, और हॉस्पिटल भी है हमारे गांव में, लेकिन एक भी डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं है। लेकिन इन सभी का ख्याल हमें और आपको लेना होगा, तभी हमारा गांव, तभी हमारा समाज, सोसाइटी एक विकासशील सोसाइटी के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन हमारे गांव में माशाल्लाह पहले से जो तालीम जापता है, कुछ बढ़ोतरी होती चली जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और युवाओं को, खास करके मैं मोटिवेशनल वीडियो युवाओं के माध्यम से बनाना चाहता था, क्योंकि हमारे युवाओं में अभी भी बहुत कमजोरी है। हमें जो एकता होना चाहिए, हमें जो अधिकार है गांव में, उसका इस्तेमाल नहीं करते, और गांव के अंदर कितना भ्रष्टाचारी है, इन पर भी हमारे गांव के लोगों को एक्शन लेना चाहिए। खास करके मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, यहां एक गरीबों को शोषण किया जाता है, एक भेदभाव किया जाता है, एक गरीबों को माल हड़प लिया जाता है, एक गरीबों को मार करके फेंक दिया जाता है, लेकिन किसी की मुंह में आवाज तक नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, ये सब जितने भी भ्रष्टाचारी है, जितने भी समाज के अंदर अनलीगल काम है, जितने भी बड़े लोग इस समाज के छोटे तबके को शोषण किया जाता है, तो ये हमें और आपको बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम और आप एक जगह एक प्लेटफॉर्म में रहकर उन शोषण के विरुद्ध अपना अधिकार को नहीं छीनेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल आने वाले समय में आपको ही उतना नुकसान होगा। इन्हीं बातों से मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।